हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी फॉर यू बीयर स्टोरीज। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमारा जो चेंगोन था वो हमारे जुनक्यून को किस करने गया था, एंड जुनक्यून ने उसे पुश कर दिया था, जिसको एक्ट को कंटिन्यू करते हुए हमारे चेंगोन ने ये कहा था कि उसके बट पर उसे चोट लग गई है, एंड शावर लेते टाइम उसने ये कहा था कि वो उसे शावर लेने में हेल्प करे या फिर उसे एक ऑयल उसके बट पर मसाज करे। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो जुनक्यून था वो काफ़ी ज़्यादा शाई फील करने लगता है, एंड कहता है कि ठीक है, वो बाद में शावर लेने के बाद उसे मेडिसिन अप्लाई कर देगा। एंड जब वो मेडिसिन अप्लाई कर रहा था तो हमारे जुनक्यून को यही लग रहा था कि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड परफेक्ट शेप है, एंड फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या सोच रहा है। एंड सेम चीज़ हमारे चेंगोन के साथ भी थी, जैसे जैसे हमारे जुनक्यून की फिंगर टच कर रही थी उसके लिए उससे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपना कंट्रोल खो दे और जुनक्यून को हर्ट कर दे। एंड जुनक्यून सोचने लगता है ये मूव क्यों नहीं कर रहा था, तो वो पूछता भी है कि क्या हुआ, तुम सो गए क्या। एंड तभी हमारा चेंगोन कहता है कि मेडिसिन अप्लाई किया है ना, तो आज रात मैं ऐसे ही सोने वाला हूँ। अब वो कैसे बता सकता था कि उसकी जो बॉडी है उसे कंट्रोल की बाहर जा रही है। अब सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो जुनक्यून था वो अपने स्टडी रूम में था, और वहीं पर उसका सर्वेंट आता है जो कि हर उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। उसका सर्वेंट बहुत सारी बुक्स को एक साथ लेकर आता है और कहता है कि जुनक्यून, ये सारी बुक्स रही, ये पिछले 3 साल की सारी अकाउंट बुक्स हैं जो आपको चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बेकार में ही मुसीबत ले रहे हैं। आपको ऐसा मुसीबत नहीं लेनी चाहिए थी, देखिए ना, इतनी सारी अकाउंट बुक को आपको चेक करना पड़ेगा। एंड तभी जुनक्यून कहता है, नहीं, ये कोई मुसीबत नहीं है, क्लोथ एंड फूड में जितने भी खर्च हुए हैं, पर्सनल रिलेशन जैसे हैं, उन सभी को संभालना पड़ता है, वैसे ये सारी चीज़ों को भी तो संभालना पड़ता है, और सारे सर्वेंट्स थोड़े अलग थोड़ी है, उन सभी का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है ना। देखो, जैसे गवर्नमेंट जो होती है अपने मिनिस्टर की सभी अकाउंट बुक्स का ध्यान रखती है, उनकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखती है कि उन्हें कितने पैसे दिए जाएंगे, कितनी नहीं, सब कुछ का ध्यान रखती है ताकि कंट्री अच्छे से चल सके, वैसे ही मुझे अपने सारे सर्वेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि उनको मनी ठीक से मिल रही है या फिर नहीं, ताकि ये घर अच्छे से चल सके। एंड ये बात सुनते ही वो जो सर्वेंट होता है वो कहता, ओके, मैं समझ गया। एंड हाँ, मैंने सुना ना वांग फाई, कल ये मैंने सुना था कि मैडम कॉन्सर्ट सारी रात, सुबह से लेकर रात तक वो कुछ सर्वेंट के साथ वैसे ही वाइन पीने में और सिर्फ मौज मस्ती में ही बिता दी। एंड ये सारी बात सुनते ही हमारा जो जुनक्यून होता है वो सोचने लगता है कि ये सारी बातें सुनकर मुझे तो ये लगता है कि उसने अकाउंट बुक में भी कुछ हेर फेर की होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी जुनक्यून कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, और उसके हाथों में कुछ फ्रूट्स दे देता है अपने सर्वेंट के। एंड तभी वो सर्वेंट कहता है, थैंक यू वांग फाई। एंड तभी वो सर्वेंट उस फ्रूट को खाते हुए कहता, ओह, एक और बात, आपको मार्च का जो पॉकेट मनी होता आपको वो नहीं मिला, आई मीन ऑलमोस्ट तो सभी को मिल गया कल, आपको पता है कल मैं पेपर लेने गया था और फिर मुझे पेपर भी नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास मनी तो थी नहीं, इसीलिए नहीं मिला मुझे। एंड थैंकफुली आप वांग फाई के साथ आप यहाँ पर इस ईस्ट कोर्ट यार्ड में रहते हैं, तो वांग आई के साथ जो भी खर्चा होता है, आपका खर्चा जो होता है वो उसके साथ काउंट हो जाता है। अगर आप वेस्ट कोर्ट यार्ड में रहते हैं ना, तो आपके पास इतना मनी भी नहीं होता कि आप अपने फूड को अच्छे से अफोर्ड भी कर पाए। एंड ये बात सुनती है हमारा जो जुनक्यून रहता है वो सोचने लगता है कि युनजू की वर्ड जो है वो सही है। ये बात सुनते ही मुझे एक बात याद आ गई, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, मेरे पास मनी ही नहीं है, अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं उस मनी का यूज़ कर पाऊँ। एंड तभी वहाँ पर हमारा चेंगोन आ जाता है और क्या है, तभी हमारा जो जुनक्यून होता है वो कहता है, वांग आई, आप आ गए। एंड तभी वो सामने जाता और कहता है, वांग आई, क्या हुआ, आई मीन आप तो सेकंड प्रिंस के घर पे गए थे, क्या हुआ, आप बहुत जल्दी लौट आए। हमारा चेंगोन कुछ बोल नहीं रहा था, एंड चेंगोन का फेस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान और थोड़े से गुस्से में लग रहा था। एंड तभी वो जुनक्यून का हाथ पकड़ता है और जुनक्यून को खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगता है। जुनक्यून को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, वहाँ पर एक सर्वेंट रहता है, वो सोचने लगता है क्या वांग फाई ने कुछ ऐसा किया कि वांग आई गुस्से में आ गए। एंड तभी जो सर्वेंट रहती है दूसरी वाली, वो सोचने लगती है कि वांग फाई, लगता है कि उन्होंने वांग आई का फेवर खो दिया, लगता है कुछ तो हुआ है। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो चेंगोन था वो जुनक्यून को अपने हॉर्स पे बैठाता है और उसे कहीं लेकर जाने लगता है। हमारे जुनक्यून को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। हमारा चेंगोन सोच रहा था कि ये वही सीन है जब हम लोग उस माउंटेन के साथ खड़े थे, मुझे वही फीलिंग दे रहा है कि मैं जुनक्यून के साथ आखिरी सांस जब ले रहा था, हम लोग की मौत होने वाली थी मेरे पास्ट लाइफ में। अभी मुझे याद आया कि हमारी लाइफ कितनी खतरे में थी, लेकिन इस टाइम हम लोग साथ जी रहे हैं, ये मेरी खुशनसीबी है, लेकिन
नहीं। आजकल के जो दिन थे वो काफ़ी से कंफर्टेबल एंड वार्म थे, इसीलिए मैंने अपनी आईज़ को क्लोज करके रखा था, लेकिन नहीं, अब मुझे याद आ रहा है कि मैं इन सभी के चक्करों में मेरे साथ जो कुछ हुआ था मैं उसे भूल नहीं सकता, मैं अपनी आंखें बंद दोबारा नहीं कर सकता। एंड तभी हमारा जुनकुन सोचने लगता है कि आखिर इसे क्या हुआ है, इसके साथ कुछ हुआ है क्या, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ऐसे एक्सप्रेशन के साथ क्यों है। एंड तभी चिंगन हमारे जुनकुन के हाथों को अपने स्टमक की तरफ रखता है और उसे टाइटली होल्ड करने को कहता है, और वो सोचने लगता है थैंकफुली जी मेरे पास जुनकुन है और इस बार मैं इस ज़िंदगी में उसे खोने नहीं दूंगा। और जुनकुन के दोनों हाथों को ग्रैब करता है और अपने बॉडी से टाइटली होल्ड करने के लिए कहता है। अब वो दोनों एक जगह पर होते हैं जहाँ पर वो दोनों रुकते हैं, और हमारा जो चिंगन था वो अपने मार्शल आर्ट ग्राउंड में पहुँच चुका था। और अब हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो चिंगन था वो तुरंत अपने हॉर्स से नीचे जंप करता है और वहाँ पर एक वेपन होता है उसे उठा लेता है, और एक सोल्जर रहता है उसके साथ लड़ने लगता है। वो सोल्जर कहता है वांग आई, अब वो क्या हुआ, और वो सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जो चिंगन था वो बिना वजह ही उस सोल्जर पर अटैक करने लगता है। वो जो सोल्जर था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो रोक नहीं पाता। तभी वो कहता है कि वांग आई प्लीज़ उन्हें रोकिए। एंड तभी हमारा जो जिनको रहता है कहता है कमांडर रेन आप जाइए और जो भी लोग हैं यहाँ उन्हें भी लेकर जाइए, आप सभी लोग जाइए इस ग्राउंड को खाली कीजिए, मैं यहाँ पर वांगाई के साथ हूँ, आप लोग जाइए रेस्ट कीजिए। एंड तभी कमांडर रेन जो रहता है कि वो कहता है कि ठीक है वांग भाई, और वहाँ से चल जाता है। अब हमें काफ़ी टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, और हमारा जो चिंगन था अभी तक खुद से ही फाइट किए जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। हमारा जो चिंगन है उसे ऐसे देख कर हमारा जुनकुन कहता है कि वांग आई अब रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका, अब रुक जाना चाहिए, लेकिन हमारा चिंगन अभी भी नहीं रुकता। एंड अब हमारे जुनकुन को भी गुस्सा आता है, वो एक सॉर्ड उठाता है और हमारे चिंगन की तरफ फेंक देता है, कहता है जिंग शाओ प्लीज शांत हो जाओ। एंड तुरंत वो जो एक स्वॉर्ड जैसा या फिर कुछ रहता, मुझे इसका नाम नहीं पता, जो भी चिंगन के हाथ में रहती है वो जो लकड़ी की चीज़ रहती है वो टूट जाती है, और वो जो स्वॉर्ड रहती है वो नीचे गिर जाती है। एंड तभी हमारा जो चिंगन रहता है वो ज़ोर से अटैक करता है और वहाँ पर एक और जो लकड़ी रहती है उसे तोड़ देता है, और साथ ही साथ उसका जो वेपन रहता है वो भी टूट जाता है। उसके हाथ में काफ़ी ज़ोर की चोट लग जाती है, जिसे देखकर हमारे जुनकुन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो तुरंत हमारे चिंगन का हाथ को लेता है अपने हाथों में और कहता है कि तुम्हारे हाथ में चोट लग गई। और तभी हमें हमारा चिंगन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एकदम टियरी आइस में था, और तभी उसे हमारा जुनकुन होल्ड करता है और कहता है शाओ क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। एंड तभी हमारा जो चिंगन रहता है वो जुनकुन को काफ़ी ज़ोर से होल्ड करता है और कहता है कि जुनकुन ब्रदर ने कहा कि मदर को जान से मारा गया, उनका मर्डर हुआ है। एंड वो कहता है जुनकुन। एंड वो रोने लगता है। तभी हमारा चिंगन को इस तरीके से देखकर जुनकुन कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, तुम प्लीज़ परेशान मत हो। अब हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो जुनकुन होता है वो कहता है वांग आई आप पूरी तरीके से भीग चुके थे बारिश में, ये लीजिए जिंजर सूप पीजिए जो कि आपको वार्म रखेगा। तभी चिंगन वो जिंजर टी को पीने लगता है। तभी हमारा जो चिंगन रहता है उससे हमारा जुनकुन उसका हाथ मांगता है और कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे हाथों को देखता हूँ, और हमारा जुनकुन बैंडेज करने लगता है। चिंगन सोच रहा था कि जुनकुन हमेशा मेरे साथ कितना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। एंड तभी हमारा जो जुनकुन होता है वो कहता है फाइनली बैंडेज हो गया। एंड तभी उसे एक बार छींक आ जाती है। एंड उसे इस तरीके से देख कर हमारा जो चिंगन रहता है वो कहता है कि तुम्हें भी इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी अपना केयर करने की ज़रूरत है, समझे तुम्हें भी ये ड्रिंक करनी चाहिए। और वही जिंजर सूप उसे भी पीने के लिए कहता है, और वो तुरंत हमारे जुनकुन को अच्छे तरीके से कवर करने लगता है, और वो सोचने लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि जब जुनकुन बच्चा था तो उसे की बीमारी हो गई थी, उसे कोल्ड हो गया था इतना ज़्यादा कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, वो कभी भी इतनी ठंड नहीं सह सकता, और मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मेरी वजह से उसे भी कोल्ड हो गया। और उसे लगता है कि सच में मैं कितना बड़ा इडियट हूँ, एक नॉर्मल पर्सन भी अगर पानी में भीग जाए ना तो वो बीमार पड़ जाता है, लेकिन जुनकुन काफ़ी टाइम तक भीगता रहा वो सिर्फ मेरी वजह से। एंड तभी हमारा जो जुनकुन रहता है सोचने लगता है कि क्या मैंने इसे वरी फील करा दिया। एंड तभी वो कहता है कि इट्स ओके वांगाई मेरी बॉडी ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं बारिश में अपनी नींव पर काफ़ी टाइम तक बैठा हूँ, उसके बाद भी मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड तभी हमारा जुनकुन कहता है कितने आवर थे तुम। एंड तभी हमारा जुनकुन कहता है 3 आवर्स तक मैं भीगता रहा। एंड तभी हमारा जुनकुन कहता है 3 आवर्स तक। अब उसको इतना परेशान देखकर हमारा जुनकुन कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, अब तुम सो जाओ और तुम रेस्ट भी करो, और हाँ ट्राई करना कि तुम्हें कोल्ड फिर से ना हो जाए।
ये सारी बातें कहने के बाद जिनको ये सोचने लगता है ओ गॉड मैं फिर से स्लिप कर गया। एंड तभी हमारा जो चिंगन होता है कहता है वाई। तभी हमारा जो जुन क्वीन होता है वो कहता है कि उस टाइम नैनी का जो सन था उसे किसी ने ट्रिक कर दिया था कि उसे फंसा दिया था कि उसने कोई चीज़ चुराई है घर की। एंड मैडम ने इतना गुस्सा हो गई थी मैडम कि उन्होंने मुझे घर से हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं पाउंड में गिर गया था। उसके बाद नैनी ने ही मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी और मुझे बचाया था, इसीलिए मैं आज जिंदा हूँ। और वैसे भी एक चाइल्ड का अपनी नी पे बैठकर पनिशमेंट लेना क्या ये नॉर्मल नहीं है? इतना कहने के बाद जिनको ये सोचने लगता है कि सच तो ये था कि वो नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी करूं। मैं एक कॉन्क्यूबेंट का सन था तो वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करेंगी ना। एंड तभी हमारा चिंगन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें पता है मैं भी बहुत बार क्विजन हॉल के सामने खड़ा था अपनी नी पर। एक दिन एक रात मैं पूरी अपनी नी पर था। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो जुन क्वीन होता है वो कहता है कि सच में दिन रात तुम पूरी अपनी नी पर थे। एंड वो सोचने लगता है चिंगवान ये तो एक प्रॉपर वाइफ का सन था, तो इस सच में इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। सच में पैलेस में रहने के बाद भी इसकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी जितना मैंने सोचा था। चिंगवान कहता है कि मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन रॉयल फादर ने मुझे ये कहा कि अगर मैं अपनी नी पर रहूँगा क्विजन हॉल के बाहर 20 आवर्स तक, तुम्हें पता है कि रॉयल मदर के बिना प्रोटेक्शन के बिना हमारी लाइफ कैसी हो गई थी। एल्डर ब्रदर और मैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, वो भी फर्स्ट प्रिंस जो कि कॉन्क्यूबाइन का सन था उसके नीचे हमें दबना पड़ता था। तुम्हें पता है एक टाइम तो ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि मैं सिर्फ आर्मी ही ज्वाइन कर लूँ, उसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरे पास मिलिट्री की पावर थी और कुछ भी नहीं था। मुझे बस गुस्सा लगता था कि जिन लोगों ने मुझे बुली किया मैं बस उन्हें ख़त्म कर दूं, बस जिन भी लोगों ने मुझे बुली किया था मैंने उन सभी को पनिश किया। एंड तभी हमारा चिंगवांग की बात सुनकर हमारा जो कि सोचने लगता है कि सच में इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड थी, मुझसे भी ज़्यादा। तभी हमारा जो चिंगवान होता है वो कहता है तुम्हें पता है जब मैं यंग था जो मेरी रॉयल मदर थी वो मेरे लिए कपड़े सिलाई करती थी, मेरे लिए डिलीशियस केक बनाया करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तुम्हें पता है मैं कभी कभी ना उनके बनाए हुए केक्स को बर्बाद कर दिया करता था। उसके बाद वो फिर मुझे पनिशमेंट के तौर पर मुझे मारती भी थी, लेकिन तुम्हें पता है मैं जब रोता था तो वो भी सबसे पहले रोने लगती थी, वो मुझे होल्ड करती थी एंड फिर कहती थी क्या तुम्हें हर्ट हुआ। तुम्हें पता है जब भी मैं रोना स्टार्ट करता था वो भी मुझे बहुत ज़्यादा केयर करती थी, वो बहुत अच्छी थी। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जून को सोच लगता है कि एक मैन जो कभी भी जल्दी रोता नहीं है वो सच में अपनी माँ के बारे में बात करते हुए इतना ज़्यादा रो रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो कितना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होगा। किसी के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सच में ये रो रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है इसे रोते हुए देखकर। एंड तभी हमारा जो जून क्वीन होता है वो कहता है डोंट वरी, समझे तुम, अब तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमारा जून क्वीन एंड चिंगवान दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। एंड तभी हमारा जो चिंगवान होता है उसे एक ड्रीम आता है जहाँ पर वो उसकी मदर थी। एंड वो कहती लिटिल शाओ तुम्हारा जो यंगर सिबलिंग है वो जल्दी ही आने वाले हैं, एंड हाँ इतनी बदमाशी मत करना, समझे तुम, और रॉयल मदर की तुम हमेशा फेवरेट ही चाइल्ड रहोगे, समझे तुम, तो हमेशा अच्छे से बिहेव करना। एंड अब हमें हमारा चिंगवान दिखाया जाता है जो कि बस जा रहा था अपनी मॉम के रूम को क्रॉस ही कर रहा था। एंड तभी वो सुनता है कि एक सर्वेंट कहती है कि मिस कैरेज, इम्प्रेस का मिस कैरेज हो गया। एंड तभी जो दूसरी होती है गर्ल वो कहती है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, हमें कुछ तो करना होगा। एंड ये सारी बातें हमारा चिंगवान सुन लेता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो नींद में ही बोल रहा होता नो रॉयल मदर नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, रॉयल मदर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। एंड अब उसे हमारा जुन क्वीन दिखता है जो ही कहता है कि चिंगवान तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है, वो सब तुम्हारा पास्ट था, अब जो प्रेजेंट में है तुम उसके साथ जियो। एंड वो कहता है कि चिंगवान मेरे पास आओ। एंड तभी चिंगवान कहता है जुन क्वीन, और वो तुरंत हमारे जुन क्वीन का हाथों को होल्ड करता है। एंड तुरंत उसकी आंखें खुल जाती हैं। एंड जैसे ही आंखें खुलती है उसकी नज़र हमारे जुन क्वीन पे जाती है और वो कहता है कि आंख खोलते ही जुन क्वीन को देखना अपने पास, ये कितना ज़्यादा अच्छा है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। एंड तभी वो कहता है कि जुन क्वीन ने मुझे कल किस भी किया था मेरे फोरहेड पे, जुन क्वीन तुम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, मैं तुम्हारी इस सारी चीज़ों काइंडनेस को ज़रूर रिटर्न करूँगा। और वो तुरंत हमारे जुन क्वीन को किस करने लगता है। तभी जुन क्वीन की आँखें खुलती है
और वो कहता है वांग आई। एंड तभी हमारा जो चिंगम रहता है वो उसे लिप किस कर लेता है। एंड तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम प्राइवेट में मुझे वांग आई मत कहा करो, वरना जब भी तुम मुझे ऐसे कहोगे मैं तुम्हें हमेशा पनिश करूँगा। एंड तभी हमारा जुन क्वीन परेशान हो जाता है और कहता है लेकिन शाओ ये थोड़ा सा ऑकवर्ड निकनेम नहीं हो जाता है। एंड तभी हमारा जो चिंगम होता है वो कहता है कि रॉयल मदर एंड एल्डर ब्रदर दोनों ही मुझे लिटिल शोर कहते थे, तो तुम मुझे क्या कहना चाहोगे। एंड तभी हमारा जो जुन क्वीन होता है वो कहता है कि लिटिल स्पून नॉट बैड। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो चिंगम होता है वो कहता है लिटिल शोर। एंड चाइनीज़ में लिटिल शोर का मतलब होता है स्पून, एंड जिसे शॉ भी कहते हैं। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो चिंगम होता है वो कहता है लेकिन लिटिल शोर में क्या बुराई है, मतलब तुम मुझे लिटिल स्पून क्यों कहोगे। एंड तभी हमारा जो चिंगम होता है उसकी बात सुनकर हमारा जुन क्वीन कहता है कि लिटिल स्पून अब मुझे जाना चाहिए, तुम यहाँ पर रहो मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड तभी हमारा चिंगम सोचने लगता है कि एक मिनट वेट अ सेकेंड, क्या मेरी खुद की वांग फाई ने ही मेरे साथ ट्रिक किया। एंड अब सीन शूट होता है जहाँ पर हमें एक सर्वेंट दिखाया जाता है जिसके साथ हमारा चिंगम बात कर रहा होता है। वो सर्वेंट कहता है वांग आई यहाँ पर कुछ मैटर में प्रोग्रेस हुई है, आपने जो भी कहा था हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा चिंगम कहता है क्या हुआ। एंड वो आगे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला वांग फाई कैसे गिरा था। एंड तभी वो पर्सन कहता है कि हाँ वांग फाई उस पॉन्ड में कैसे गिरे थे जब वो चाइल्डहुड में अपने थे, हमें इसके बारे में पता चल चुका है। एंड तभी हमारा जो चिंगम होता है वो कहता है कि क्या तुमने फाइंड आउट किया किसने पुश किया था। एंड इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टर्न बाय बाय, सी यू सून।